नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। फिलहाल इस वक्त इस महिला को आप देख रहे हैं जो कि फिलहाल मिसिंग है। आपको बता दें कि आज 12 अगस्त है और आज के दिन ये जो महिला है दिन भर अपने घर से लापता है। इनका नाम क्या है? नाम इनका राजकुमारी सिंह। राजकुमारी सिंह है जो कि शिव मंदिर की रहने वाली हैं। अगर आप में से कोई भी इस महिला को देखा है, इसलिए आपको सबसे पहले स्क्रीन पर ये उनकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये मोबाइल पर से एक तस्वीर है उनका जो कि अपडेट तस्वीर है जी। और इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे पता चला कि वो अपने घर पर उपस्थित नहीं है। अभी सुबह ही गुम हुई थी। कितने बजे वो घर से लापता है? 11 बजे से वो घर से लापता है और अभी लगभग 10 बज गया है। काफ़ी समय हो गया है, कहीं से भी पता नहीं चल पा रहा है। इस वजह से मजबूर हैं आप सभी के साथ जुड़कर इस खबर को आप सभी के साथ साझा करने के लिए, ताकि आप इस खबर को जानने के बाद शेयर करें और बाकी लोगों में अगर किसी को भी इस महिला को कहीं पर देखते नज़र पाए हैं तो बिल्कुल दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमारे साथ इस महिला से जुड़े उनके परिवार के सदस्य मौजूद हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? वर्षा ओझा। वर्षा ओझा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के हैं। और शिव मंदिर में कहाँ पर रहते हैं? शरत नगर पे। अच्छा, मुझे बताइए कि कब कैसे हुआ, ये थोड़ा सा बताइए। सुबह में हम आए हुए थे जब इनसे मिलने के लिए, तो ये अब घर में थी नहीं, ताला लॉक करके ये घर से कहीं चली गई हैं और उसके बाद से हम ढूंढ रहे हैं तो ये हमें मिल नहीं रही हैं। क्या उम्र होगा इनका? इनका 70+ होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सुबह क्या इसी जो तस्वीर में जो कपड़े पहनी है वही कपड़े में है या किसी और कपड़े पहने? ये किसी और कपड़े में है, इनकी साड़ी ब्राउन कलर की है, वो पहनी हुई है वो। अच्छा अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि इससे पहले क्या ऐसा कोई घटना घटा है क्या? जी, इसके पहले भी घटना घटा है, पर वो हमें मिल जाती थी 2-3 घंटों के बाद, पर आज काफ़ी समय हो गया है अभी तक नहीं दिखी। तो मानसिक तौर पर कोई दिक्कत था क्या? जी, उनको मानसिक स्थिति जो है वो नहीं ठीक है। अल्जाइमर की पेशेंट है वो, उनका स्टेज 3 या 4 शायद एक्सेप्टेड है जो चल रहा है, तो उनको याद नहीं रहता है। अच्छा, वो भूल जाती है, पाँच मिनट के बाद वो भूल जाती है। उसके बाद फिर कब उन्हें याद आ जाता है? याद उन्हें आता नहीं है, जब वो कुछ ही नाम या कुछ जगह का नाम जो है पर्टिकुलर वो याद रखती हैं, अदरवाइज वो याद नहीं रख पाती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो कैसे घर से गुम हो गई? वो निकली हैं, अभी क्या सोच के निकली हैं अब पता नहीं, वो किसी को ढूंढने निकली हैं कि क्या अब उनके दिमाग में क्या आया है और क्या निकल के सोच के निकली हैं वो तो अब वो ही जानती है अभी। हाँ जी, तो ये जब घर पे थी तो बाकी लोग घर पे कहाँ थे? बाकी लोग, उनकी 3 बेटियां हैं जो अभी हैं नहीं इधर पे, और मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ, तो मुझे जब मैं आती हूँ इनसे मिल के जाती हूँ बराबर, रोज सुबह शाम आती हूँ मिलती हूँ, जो भी है वो उनसे जो इस घर में। वो क्या इस घर पे अकेले रहती हैं क्या? जी, अभी वो अकेले रहती हैं, अभी उनके साथ अभी कोई नहीं रहता है, अभी मैं ही हूँ जो हूँ, जो आती हूँ जाती हूँ बस। जी, क्या नाम है आपके हस्बैंड का? जी, आपके हस्बैंड का नाम क्या है? सुब्रतो रॉय। सुब्रतो रॉय जी, शिव मंदिर के रहने वाले हैं। जी, वो शिव मंदिर के रहने वाले हैं। अच्छा, इस घटना को लेकर आपने प्रशासन को कोई सूचना दिया? अभी प्रशासन को सूचना नहीं दिया गया है, पर अभी हम जा रहे हैं सूचना देने के लिए। अच्छा, क्या लगता है कहाँ हो सकती होंगी? हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो अब आसपास में ही होंगी कहीं, पर हमें नहीं मिल रही हैं, सुबह से ढूंढा जा रहा है। सुबह कितने बजे से वो मिसिंग आपको नजर है? मिसिंग तो 11 बजे से है, जब भी हमें पता चला है वो 11 बज रहा था, उसके पहले से अगर वो मिसिंग है तो वो हमें पता नहीं है, क्योंकि हम 11 बजे आए थे। तो जब आप आए तो क्या कंडीशन था घर? कंडीशन यही था कि घर का ताला लॉक था और उनकी साड़ी बाहर थी जो अभी हटाई गई है हमारे पड़ोसियों के द्वारा, और बाकी तो यही है। अब आसपास के लोगों का क्या कहना है, उनसे बात हुआ था? आसपास के लोग भी अपने तरफ से अब जांच पड़ताल कर रहे हैं, वो भी बहुत देर से उन्हें ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल पा रही हैं, जिनको जितना समझ आ रहा है वो अपनी जगह पे जाके ढूंढ रहे हैं उन्हें। अगर किसी को मिलता है तो किस नंबर पे संपर्क किया जाए? अगर किसी को मिलता है तो 7063676204, नहीं तो 6297718070 पे संपर्क करें। जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। ये जो लेडीज़ गुम हुई है, ये मेरी वाइफ की नानी है और इनके लिए एक आदमी भी रखा हुआ है जो 7,000 रुपये पर मंथ पे है। अचानक उसकी कल वाइफ की तबीयत ख़राब हो गई तो वो बिहार चला गया। कल तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वो पल गया है, आज सुबह मैं 10:30-11 बजे करीब आया खाना देने के लिए, हम आए तो आके देखा कि ताला लगा हुआ है, तो हमें लगा कि लोकल में कहीं आसपास होगी, कोई रिश्तेदार कहीं होगी। फिर थोड़ी देर देखने के बाद जब मिला नहीं और आस पड़ोस में पता किया तो
पता चला कि वो आस पड़ोस में नहीं है, फिर उसके बाद ढूंढना शुरू हो गया सुबह से लेके अभी तक हो गया है, ढूंढ ही रहे हैं, अभी तक कुछ अता पता नहीं मिला है। और फिलहाल तो कोशिश जारी है हमारी, सब जितने भी जानने वाले हैं सबको हमने बता दिया है, फोटो वगैरह दे दिया है, अभी देखते हैं क्या होता है। कहाँ कहाँ पर अब तक आपने ढूंढ लिया? इधर बालासन कॉलोनी से शुरू करके साधन मोड़, भरत बस्ती, NBU, उसके बाद BEd कॉलेज के उधर जितने भी लोकल एरिया है अपना, और इधर मागुरमारी ब्रिज जो है उधर, उसके बाद कहीं नहीं मिली। नहीं, कहीं नहीं मिली। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुब्रत रॉय है। तो इस वक्त जो है ये पूरी खबर जो है हम आपको दिखा रहे हैं शिव मंदिर के सदर नगर से। अगर आप में से किसी को भी जानकारी मिलती है तो कृपया क्या आप बोलना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आने के बाद घर से खबर मिला जैसे सब बात है जी। चाची, हम लोग चाची बोलते हैं जी, थोड़ा मतलब उनका डिफरेंस यही था कि भूल जाती है जी, तो उसी चलते अब मैं घर में आते मेरे को पता चला जैसे सब बात है, मैं और मेरा बेटा मिलकर पूरा इलाका जितना हम लोग से हो सका हम लोगों ने खोजा है। अब इसके बाद क्या करना चाहिए, आप लोग भी थोड़ा हम लोग को मदद कीजिए। ठीक है, अब ये आप लोग के ऊपर है, हम लोग को थोड़ा मदद कीजिए किस तरह हम लोग खोज के निकाल सके, चाहे ये प्रशासनिक तरफ से हो चाहे प्राइवेट तरफ से हो। अब ये आपको कह रहे हैं कि आप मदद कीजिए हम लोग को।